असेंबली का बहुत बड़ा हाथ है, हम पे उनका एहसान है, पूरे पाकिस्तान पे जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना साहब का एहसान है, वहाँ लियाकत अली खान शहीद और उसकी फैमिली का भी एहसान है पाकिस्तानियों पे कि वो यहाँ आए, और अगर जो नहीं आ सकते वो फातिहा ज़रूर पढ़ लें। सर, ये टंकी इतनी तेजी के साथ कराची में लोग इतने पेशेंट तो क्या स्प्रे का कोई मुहिम आपने अंगामी तौर पर शुरू किया है? दूसरा ये कि आपने कुछ गाड़ियाँ सैलानी वालों को दिए, वो किस वजह से दिए, इसी के हवाले से दिए, कुछ है ऐसा सिलसिला? बिल्कुल, हम फ्यूमिगेशन महकमा है हमारे पास, हमारा फंक्शन है, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हर हफ्ते मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में गाड़ियां हमारी जाती हैं, फ्यूमिगेशन हो रही है। सैलानी साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, हमारे पास वो दवाई नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है कि हम वो इतनी मिकदार में दवाई ख़रीद सकें, तो सैलानी साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं, गाड़ियां हमारी हैं, दवाई उनकी है, और ये कंटिन्यूसली सारे डिस्ट्रिक्ट में हम फ्यूमिगेशन का काम जारी रखे हुए हैं। के साथ काफ़ी बैठक हो रही हैं, आप भी समझ रहे हैं कुछ मसाइल हल हो रहे हैं, कुछ फंड्स के मामला थे, कुछ जो शिकायत थी उसके खात्मे के हवाले से कोई प्रेशर हुई है? देखिए, मेरी मीटिंग्स हुई हैं, सीएम साहब से भी हुई है इस हवाले से, और नासिर शाह साहब से भी हुई है, और नासिर शाह साहब ने यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह के KMC के और DMC's के जो मसाइल हैं वो हम जल्द से जल्द हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।